लोग इटली में हैं और मैं एयरपोर्ट पहुंचने पर और एयरपोर्ट से निकलने पर वीडियो इसलिए नहीं बना सकी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और ठंड भी बहुत थी, बारिश हो रही थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो अब हम लोग बाहर निकले हैं, तो यहाँ मैं जो जो देख रही हूँ आइए आपको दिखाती हूँ। जनाब हम लोग ठहरे हुए हैं और ये पत्ते देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। मुस्तफ़ा और जैनब जनाब साथ साथ हैं, ये देखें पत्ते ही पत्ते। ये भी हम एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं ताकि हम कुछ खाएं पिएं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हमें करना क्या है। ये देखें कितने मज़े के खूबसूरत लग रहे हैं पत्ते, येलो भी, ब्राउन भी, वाइट भी, और ये दरख्त इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है इटली, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे हर जगह पर सेल है, तो अभी हम लोग एक मार्केट में निकले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ क्या सिचुएशन है।
यहाँ वो जगह जहाँ पर रोमियो जूलियट जो है वो छुप छुप के मिला करते थे। खूबसूरत तो करते बेचारी, इतनी माड़ी छोड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, हाँ वैसे कोई उन्होंने चेंज नहीं किया, जैसी थी उसको वैसे वैसे ही छोड़ दिया। और यहाँ पे बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं कि वो इनको भी नहीं, उन्होंने बस रेनोवेट करते होंगे कि कंडीशन खराब ना हो, वाइट वॉश उसका सही रहे, अदरवाइज खूबसूरत आर्किटेक्ट है बिल्कुल। गली में जा रहे हैं, इस गली में ओमू जूलियट का घर है जो हम देखेंगे चल के। लगा हुआ है और ये उसका घर है। ये अभी हम लोग रुके थे, हमसे हमारी वैक्सीनेशन के कार्ड्स उन्होंने चेक किए हैं, उसके बाद मास्क लगा के हमें अंदर आने दिए। हल्ले में फिर रहे हैं जूलियट के, स्पेशली रोमियो इन्हीं गलियों में चक्कर लगाया करता था जूलियट के लिए। घर आपने उसका देख लिया है और ये उसका मोहल्ला है जिसको उन्होंने सजाया हुआ है। और इसको जनाब वो उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, इनको ऐसे ही छोड़ा गया है।